दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को एक ऐसा चैलेंज दिया है कि इस वीडियो में आप भी देख पाएंगे और आपके भी आंखें फटी रह सकती हैं, कान खड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं मैं, कि ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दितेश, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी अगर मैं किसी ऐसे चमत्कार की बात करूं तो कानों पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज सीधे सीधे न्यूटन के उस नियम को चैलेंज कर रहा हूं जो उन्होंने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर हमेशा खींचती है। तो यहां पे आप देखेंगे, नहीं बिल्कुल उल्टा है। करीब 150 मीटर एक जगह है जहां पे सड़क है और ये गाड़ियां ऊपर की ओर चढ़ रही हैं। आपको भी थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। और अगर अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बताना ना भूलिएगा वीडियो कैसा बन रहा है। कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ कमी है, कुछ बेसी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। दोस्तों ये जगह है अंबिकापुर से 35 किलोमीटर दूर में बिसरपानी ग्राम पंचायत मैनपाट के रोड में। जहाँ से आप करीब 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे पानी भी ऊपर की ओर बह रही है और ये सड़क जो है ग्रामीण सड़क है। करीब 150 फीट ऐसा जगह है जो कि पूरे ऊपर की ओर गाड़ियाँ छोड़ दे हो आप बंद करके तो ऊपर की ओर चल रही है। तो आगे पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सामने से, पीछे से, दाएं बाएं, चारों तरफ से, ताकि आपको कोई भी मन में डाउट न रहे। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट कहा था कि सब साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होती है। जी हाँ दोस्तों, साइंस भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होता है, लेकिन चमत्कार भी होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए वीडियो को पूरा। ये देखिए गाड़ी कैसे, बैक में कोई भी नहीं है गाड़ी के अंदर में, आप देख रहे हैं। मुझे गाड़ी को रोकना होगा ताकि वो इधर उधर ना जाए। एक पत्थर रखे रहो ना हाथ में। ये देखिए गाड़ी में कोई भी नहीं है, ठीक है। ये ब्रेक दबा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, है ना। ये चाबी ऑफ है, गियर न्यूट्रल है, गाड़ी न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक भी है, अभी ब्रेक दबा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम लोग गाड़ी को ब्रेक को छोड़ेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिक इधर चढ़ने लगेगी ऊपर की। गाड़ी बंद है और कैसे ये पीछे की ओर जा रही है, और ये पीछे जबकि आप देख पा रहे हैं कि चढ़ाई है। घूम रहे हैं और ये पीछे की तरफ पूरी चढ़ाई है। चाबी आप देखेंगे ऑफ है, किसी चीज में कोई भी ऐसा यूज नहीं हुआ है कि गाड़ी को चलना चाहिए, यानी बिल्कुल ऊपर की ओर चल रही है गाड़ी। ये देखिए चक्का, मैं आपको नीचे का एक बार सीन दिखाऊं तो ये सीन है, वो नीचे से गाड़ी ऐसे करते हुए बिल्कुल रिवर्स ऊपर की ओर आ रही है। ये तेज हो रही है धीरे धीरे गाड़ी, जबकि इसको नीचे की ओर आनी चाहिए। गाड़ी इंजन ऑफ है और ये चलते चलते पूरी पहाड़ के उधर में जाने लगेगी। दोस्तों यहाँ का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे फॉलो करके यहाँ आ सकते हैं या फिर मेरे वीडियो पे कमेंट करके आप एड्रेस मुझसे वेरीफाई फिर से कर सकते हैं। देखिए कैसे ऊपर की ओर चल रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबल चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ढलान की ओर जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी कहाँ से चढ़ी है। विवेक बैठा हुआ है, उसको गाड़ी ड्राइविंग भी नहीं आती। हाँ हाँ, उसने गाड़ी अब ब्रेक लेकर उन्होंने रोका है, और जब वहाँ भी क्लच छोड़ ब्रेक छोड़ रहे हैं तो गाड़ी वहाँ से भी आगे नहीं आ रही है, पीछे की ओर ही आ रही है। अभी एक बार ब्रेक छोड़िए तो क्या बोलता है। अभी ब्रेक लो, अभी मैं आपको एकदम बिल्कुल ब्रेक अभी बिल्कुल ब्रेक वो दिखाऊंगा आपको लाइव। हम लोग गाड़ी देखिए वो वहाँ से चढ़ती हुई आई, वहाँ से चढ़ी है पूरी रिवर्स में, गाड़ी इंजन ऑफ है और वहाँ से चल। अभी एक नया चीज़ आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो इधर ऊँची है रोड, और इस ऊँची रोड में गाड़ी को हम लोग अगर यहाँ बंद करते हैं तो गाड़ी ऊपर की तरफ चलने लगेगी जो कि ग्रेविटी के बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं इनको बोलूँगा कि गाड़ी को बंद करें, और ये देखिए ये गाड़ी से बाहर आ गए हैं। गाड़ी में कोई चाबी नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग बस स्टीयरिंग को कंट्रोल करेंगे। स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा, स्टीयरिंग लॉक हो सकता है, देखिएगा। ये देखिए गाड़ी बिल्कुल ऊपर की तरफ और तेज होती हुई एकदम, और जैसे ही आप देख रहे हैं कि ढलान में ले जाकर गाड़ी की चाबी, गाड़ी को स्टार्ट करके न्यूट्रल में छोड़ा गया है।
स्टेयरिंग लॉक नहीं हो इसके वजह से इसे छोड़ा गया। मैं गाड़ी के अंदर का पोजीशन आपको एक बार दिखाता हूँ। गाड़ी में कोई भी नहीं है और ये देखिए गाड़ी भी न्यूट्रल में है और गाड़ी चढ़ाई की तरफ चढ़ रही है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अब आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि गाड़ी कैसे ऊपर की तरफ चढ़ रही है और बिल्कुल ग्रेविटी के खिलाफ। बिल्कुल गाड़ी में कोई भी नहीं है, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये गाड़ी की स्पीड अब तेज हो जाती है इसके बाद। एक बोलेरो और आ रही है, मैं उनसे पूछता हूँ कि उनकी गाड़ी चढ़ रही है या नहीं चढ़ रही है। न्यूट्रल है, अब गाड़ी आपकी न्यूट्रल है ना? न्यूट्रल है, चाबी ऑफ है। है अच्छा, ये देखिए ये गाड़ी भी वैसे ऊपर चढ़ी जा रही है जीरो ग्रेविटी के। आज गाड़ी यार न्यूट्रल पे और ग्रेविटी न्यूटन, वैसे ही कुछ एक वीडियो बन गया है। आप लोगों को उम्मीद है पसंद आ रही होगी, मजा आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये बाइक वाले भाई साहब कितने आराम से बड़े मजे से बैठे हुए हैं चुपचाप, और गाड़ी कैसे बंद गाड़ी भी ऊपर की ओर ऐसे धीरे 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 चढ़ते हुए पहाड़ को पार करते हुए आगे निकल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मेरी कार वहां से आ रही है, मैं खुद चला रहा हूँ, उसे बैठा हुआ हूँ उसके अंदर में, और मैंने चाबी निकाल लिया। चाबी आप देख पाएंगे मेरे दाएं हाथ में बाहर में। चाबी निकाल दिए, जैसे जैसे ये गाड़ी पहाड़ के तरफ आती है वैसे वैसे इसकी रफ्तार और तेज हो जाती है, और बड़े ही आसानी इसे बड़े ही तेजी के साथ में चढ़ते हुए पहाड़ को क्रॉस करते हुए गाड़ी पूरी की पूरी आगे निकल जा रही है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इन सब चीज़ों पे यकीन करना, लेकिन आपको यकीन करना होगा। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 10 मिनट से ऊपर का वीडियो बना दिया है इस पर। यहाँ फिर से मैं लेकर पीछे लेकर गाड़ी को लेकर आया हूँ फिर से, तो वैसे ही कि वैसे ही एक बार दो बार प्रैक्टिकल के बाद में भी अनुभव होता है कि कहीं ये डाउट तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब हम लोग पीछे जा कर के वहाँ से ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी सीधे ऊपर की ओर आते हुए पहाड़ को पार करते हुए आगे निकल जा रही है। दोस्तों मेरी अकेले की गाड़ी नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारे दर्शक आए हुए थे, लोग आए हुए थे, सबको हमने प्रैक्टिकल किया। एक बोलेरो गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक मोटरसाइकिल थी, सभी तरह की गाड़ियों को हमने प्रैक्टिकल किया है। और इस बार दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे बैक में गाड़ी वापस चढ़ रही है। थोड़ा सा तेज़ी हो जाने की वजह से हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकल ऐसे नहीं कर पाते, गाड़ी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो जा कर के कहीं भी इधर उधर अनबैलेंस हो जा रही है, चाबी निकालने से स्टेयरिंग लॉक हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, गाड़ी कैसे बैक में आ रही है। अगर इस पे भी आपको यकीन नहीं होगा तो इसके बाद वाले वीडियो में और ज़्यादा यकीन हो जाएगा। ये देखिए गाड़ी नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। ये देखिए मैंने चाबी यहाँ ऑफ कर दिया है गाड़ी का, क्लच में से पैर हटा दिया हूँ, ब्रेक में पैर है, गाड़ी न्यूट्रल में है और ये आगे चढ़ाई है। तो मैं जैसे ही क्लच ब्रेक में से पैर हटाया हूँ, गाड़ी आप देख पा रहे हैं कि ये लुढ़कना चालू हो गई है। ये देखिए गाड़ी आगे जा रही है, ऐसे देखने से आपको पता चलेगा। अगर आप देखना चाहेंगे गाड़ी न्यूट्रल में है, ये सारा कुछ, ये मैंने चाबी भी निकाल दिया है, स्टीयरिंग हो गई है लॉक, इसलिए फटाक से चाबी को लगाता हूँ। और ये मैंने चाबी लगा लिया है, लेकिन इंजन अभी ऑफ है और ये गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ रही है। ये देखिए सारे एक्सीलेटर, ब्रेक, पैडल तीनों खाली है और ये गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ रही है। गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ रही है बंद में, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अभी भी आपको कैसा लगा वीडियो अभी तक का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा। और ये आप देख रहे हैं सामने ढलान दिख रही होगी आपको, और अब मैं जो इस गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ, मेरी कार है ये, अब मैं गियर पर लेकर जा रहा हूँ, एक गियर पर। जैसे क्लच छोड़ रहा हूँ तब गाड़ी आगे बढ़ रही है, नहीं तो गाड़ी फिर वापस आ रही है। तो इसका भी एक प्रैक्टिकल दिखा दूँ मैं आपको।
गाड़ी को मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ, और ये गाड़ी भी देखिए वैसे ही न्यूट्रल में वापस जा रही है, ये लोग भी वापस जा रहे हैं वैसे ही। ये ढलान है और बिल्कुल मुझे एक गियर पे लेके जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि पावरफुल प्रेशर है, बट यहाँ से गाड़ी देखिएगा आप वापस जाने लगेगी जब मैं क्लच ले लूँगा या फिर गियर न्यूट्रल करूँगा। तो ये वो जगह है, यहाँ से ये देखिए गाड़ी पीछे जा रही है, अब बिल्कुल देख पा रहे हैं गाड़ी सिर्फ स्टार्ट है, गाड़ी न्यूट्रल में है, हैंड ब्रेक नीचे है सारा कुछ। ये देखिए गाड़ी मेरी पीछे जा रही है, अब देख रहे हैं कैसे चढ़ाई की तरफ चढ़ी जा रही है गाड़ी। गाड़ी बस स्टार्ट इसलिए करना रहता है, स्टीयरिंग लॉक हो जा रहा है बार बार। गाड़ी आप देख रहे हो गाड़ी बंद है मेरी, सिर्फ चाबी लगा हुआ है बस, ठीक है। साथ में गाड़ी न्यूट्रल में है, चाबी हमने ऑफ कर रखा है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, आप बाकी सब कुछ देख पाते हैं एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, गाड़ी ऑफ है, सिर्फ हैंड ब्रेक लगा हुआ है। जैसे ही हैंड ब्रेक छोड़ रहे हैं ये गाड़ी आगे की ओर बढ़ना चालू हो गई है, और आप देखेंगे ये कैसे ऊपर की ओर चढ़ जाएगी बिल्कुल। देखिए गाड़ी बंद है, इधर लो उधर लो, हमारा चाबी आप देखेंगे ऑफ है, और ये आगे की तरफ ऊंची है, ऊंचा जगह है, कोई भी आदमी इसे पीछे से फोर्सली धक्का नहीं मार रहा है। ये मैं इधर उधर सब तरफ आपको दिखा रहा हूँ, कोई रस्सी हमने नहीं बांधा है। देखिए इधर से नीचे से अगर दिखाऊं कोई रस्सी नहीं बांधी है गाड़ी में कि कोई खींच रहा हो, और ये कैसे ऊपर की तरफ चढ़ रही है गाड़ी। ये देखिए गाड़ी बंद है और ये ऊपर की ओर चढ़ रही है। अरे बिल्कुल चढ़ते हुए पार हो जाएगी, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये रुकने वाली है तो रुकेगी नहीं, ये पूरे पहाड़ पे चढ़ जाएगी ऐसी, आगे रास्ता नहीं होने की वजह से तो बंद किया गया है। दोस्तों ये वही जगह है जो मैंने पिछले वीडियो में एक पानी का वीडियो बनाया था जिसपे कि पानी ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की ओर बह रही है, उसी के बगल में ये जगह है जो पहाड़ी है और गाड़ियाँ उल्टी चढ़ रही है ऊपर की ओर। ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से 35 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत बिसरपानी में स्थित है, मैनपाट के रोड में। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।